Hi everyone, मैं इट्स मी निशु। अच्छा तो व्हाट आई वाज थिंकिंग, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, बेटा बाल पीछे कर लो वरना बाजियां बोलेंगी कि आप तो इसको पोनी भी नहीं करते और आप तो इसको ये भी नहीं करते वो भी नहीं करते, बट यू नो इन रियलिटी बच्चे ऐसे ही होते हैं। अच्छा द थिंग इज कि आई एम गोइंग बाहर, बहुत सारे काम है मुझे, तो आई थॉट कि आप लोग को मैं साथ साथ ले जाती हूँ। व्हाट डू यू थिंक, इट्स मी नेचुरल, लेट्स गो। I want your hand, I want your video, subscribe our channel. I want your video, subscribe our channel. I want you up. Bye! What is that? Hey guys, I show our video. I show the right island. I don't know. But I for the hour to set. I for the hour. Oh. Oh, I know. Okay, bye. I'm on the island. It's just I'm on the island. It's just I'm on the island. What? I don't know. I don't know. What? I don't know. Okay, subscribe to the channel. Bye. अच्छा तो इस जगह की मैंने सफाइयाँ कर ली हैं, लेकिन जो सफाई नहीं हुई वो है इस एरिया की। जस्ट लुक एट द मेस, ओ माय गॉड। और ये है मेरी वेट मशीन, और क्या कहते हैं इसको, मतलब मैं सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले यही काम करती हूँ कि मेरा वेट क्या है। सो लेट्स सी मेरा वेट क्या है। ओके, सो ये मैंने एक नई चीज़ ख़रीदी है। काफ़ी लड़कियाँ मुझे कह रही थी कि हमारे साथ अफोर्डेबल स्किन केयर रूटीन शेयर करें ब्राइड्स की, तो दैट वन इज़ कमिंग सून। आई गॉट दिस वन एंड ट्राइंग कि ये कैसा है। इफ़ इट इज़ गुड तो ये दूसरे वीडियो में होगा ऐड। देखो ये है मेकअप रिमूवर, ठीक है, और ये है डीप क्लिनजर। इसका मतलब ये कि ये है ड्राई स्किन के लिए बेसिकली, एंड ये था भी काफ़ी अफोर्डेबल, 500 रुपये में था। ये छोटा जार है और इसमें एक बड़ा जार भी आता है, लाइक इतना बड़ा। तो आई थॉट कि ये छोटा भी ठीक है, क्योंकि इसको आप ट्राई करोगे, अगर ये आपकी स्किन को सूट करेगा फिर आप बड़ा जार लोगे। लाइक यू नो, एक अच्छी टिप, हमेशा टेस्टर तो नहीं, स्मॉल साइज है, डिलक्स साइज प्रोडक्ट खरीदो, उसको ट्राई करो, अगर वो अच्छा है देन गेट फुल साइज। एंड ये नानी अम्मा सिटिंग हियर, लेट्स गो एंड चेंज। चलो लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। अच्छा तो गोइंग टू वेयर दिस ड्रेस, और इसमें मैं पिक्चर शेयर करूंगी इंस्टाग्राम पे। तुमको हर जगह आना है, ठीक है ना, तुमको हर जगह आना है, तो वो फिर मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी। इफ़ यू वांट टू सी तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। दिस ड्रेस इज फ्रॉम फैशन कलेक्शन बाय आना, और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है ये।
दोनों को मैं लेके आई हूँ अपने फोटो शूट के लिए और इन दोनों की तस्वीरें नहीं मुकरेंगी। हो गई खत्म? हो गई नहीं, अगर नहीं हुई तो थोड़ी सी और ले लो। काफी। अच्छा अभी हम जा रहे हैं जुगनू। जुगनू जा रहे हैं? तुम्हें नहीं पता? नहीं। अच्छा मैं जुगनू जा रही हूँ और अभी उनको पिक करते हैं। चलो। ओह माय गॉड, सदी नबी का पाकिस्तानी हो जो गाड़ी चल रही होती है। जुगनू जा रही हूँ, मैंने ये वाला हेयर कलर कराना है। ये तो मैं घर में भी कर सकती थी लेकिन आई थिंक या तो मैं दिखाऊंगी कि मैंने ये इस तरह का कलर कराना है। अगर उन्होंने ये वाला एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अक्सर सैलून में कहते हैं कि नहीं भाई हम अपना ही कलर लगाएंगे बाबा, तो ठीक, वरना तो फिर यही दूंगी। पीछे क्यों बैठ गई हूँ? क्योंकि ये जनाब गाड़ी चलाना चाहते हैं। ये कह रहे थे हमने बत्तीसियाँ नहीं तोड़वानी अभी। This is called fashion. तीन नाखून ends two outs. सामने से बिल्कुल वही लग रही है। तभी Rolls Royce का। The back. Oh no. पता नहीं क्या खा रही है, अल्लाह जाने। वो बालू नहीं बैठे होते दो टांगों पे? अच्छा वो उसके पास बुलबुले हैं, बुलबुले उड़ा रही है। बच्चों को ना थोड़ा खुद आना चाहिए, उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो खुद को संभाल सकते हैं। फिर फिन्नो क्या कह रही थी है? इधर देखो ना मुझे। क्या मैं कहाँ गई थी? पार्क। बस तो एक्सेंट चेक करो। अरे वाह कितना प्यारा, अंदर आ जाओ बस है। अच्छा आ जाओ। तो काम नंबर दो, मैंने बाल डाई कराने, जैसे अभी मैंने गाड़ी में बताया। तो आई एम हेयर एट जुगनू एंड लेट्स गो अंदर और बाल डाई करें। अपने घर में भी ऐसे ही दरवाज़ा लगाऊंगी। आई लव ऐसा दरवाज़ा। टू चेंज माई ड्रेस पहले, क्योंकि इस ड्रेस में मैं डाई नहीं कर सकती। अगेन, कल मैं आप लोग को लेके गई थी अपने साथ, चंद काम मैंने किए आप लोग को मैंने दिखाया। अभी भी जो मैं दिखाने जा रही हूँ वो है मेरा हेयर कलर, लाइक किस तरह का कलर अचीव हुआ है। थोड़ा सा डार्क है, पहले महोगनी था बट अब मैंने गोल्डन हिना अप्लाई किया है ऑन टॉप, यानी कोई ब्लीचिंग वगैरह कुछ भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाल जो हैं वो बहुत ही और भी डैमेज हों, तो मैंने बस यूं ही इनको बोला कि इसके ऊपर ही अप्लाई करें। दो बॉक्सेस में लेके गई थी, स्टिल वो मेरे बालों के लिए मतलब पूरे नहीं हुए, आधे बाल मेरे पीछे से रह गए। सो यू कैन सी द टिप्स, लाइक अभी भी इसमें वो ब्राउनिश अंडर टोन मौजूद है इसके टिप्स में। खैर ओवरऑल आई लव माई हेयर कलर, पर मुझे ये बताओ कि मेरे साथ बलियाज अच्छा लगता था कि डार्क कलर अच्छा लगता है? बिकॉज आई एम थिंकिंग कि मैं अपने बालों को फिर से लाइट करा लूँ, बट आई डोंट वॉन्ट टू ब्लीच दैम, इसीलिए मैं पीछे पीछे हो रही हूँ, क्योंकि ब्लीचिंग से बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं और बलियाज वगैरह के लिए ब्लीच करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अपडेट दे चलूँ अबाउट माई नोज़। आई डोंट नो कि मेरी नोज़ के साथ क्या मसला है, बट मेरे पूरे फेस पे पिंपल नहीं निकलता,
सिर्फ और सिर्फ इस एरिया पे मेरे पिंपल निकलता है। मे भी शायद मेकअप ठीक से रिमूव नहीं होता, हो सकता है, बट आई नीड टू गो टू चेक अ डर्मेटोलॉजिस्ट। धूप आ रही है, जा रही है और यू नो चेंज हो रहा है सब कुछ। अच्छा, कल मैंने जो थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, क्योंकि लड़कियों ने बोला था 5000 के अंडर हमारे साथ स्किन केयर रूटीन शेयर करें ब्राइड्स के लिए, तो मैं चंद चीज़ें खरीद कर लेकर आई हूँ। वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ फटाफट कि क्या कुछ है, उनको यूज़ करूँगी और फिर शेयर करूँगी वीडियो में अगर उनका रिज़ल्ट अच्छा हुआ। एंड सबकी प्राइजेस वगैरह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, लेकिन सारी चीज़ों की प्राइस जो है वो 500 रुपीज़ से कम है। कुछ 350 की हैं, कुछ 400 की पाकिस्तानी रुपीज़। इंडियन रुपीज़ के लिहाज से अगर 400 रुपये की चीज़ है तो इंडियन रुपीज़ का मतलब 200 रुपये, तो इसी से अंदाज़ा लगा लो। तो चलो मैं तुमको चीज़ें दिखाती हूँ कि क्या चीज़ें हैं वो। तो ये है शॉपर, ये मैंने मून शॉपिंग मॉल से ये चीज़ें ख़रीदी हैं सारी की सारी। इग्नोर द लाइट, मैंने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं गार्नियर की आई मास्क, ठीक है, और इनकी प्राइस जो है वो है 229 रुपीज़। कितने हो गए भाई, 230 रुपए का, ठीक है। ये आई मास्क है, इसको इधर अप्लाई करते हैं, पफिनस वगैरह हो या रिंकल्स वगैरह हो उसके लिए काफ़ी अच्छा है, और ये गार्नियर का है। सो यूज़ किस तरह से करते हैं वो उस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो है वीसी एंड फ्लावर्स ब्राइटनिंग एसेंस, ठीक है। ये 499 रुपीज़ का मैंने लिया है, और ये है टोनर, सूदिंग रेडियंस टोनर। ये कुछ दिखता इस तरह से, ये अभी भी सील्ड पैक्ड है। मैं इसको खोल के आप लोग को दिखा देती हूँ। ये बेसिकली WBM ब्रांड है, उसका यू नो उसकी रेंज है। ये पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, जैसे हाई एंड ब्रांड्स की होती है। वाओ, अंदर से भी ये काफ़ी अच्छा है। लाइक 499 रुपीज़ का आपको ये टोनर मिलेगा। मैं ये यूज़ करके आप लोगों को बताऊँगी। इस पर बाकायदा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि आप देख सकते हो। आई डोंट नो कि किधर होगा, लेकिन आई विल चेक। फिर मैंने ख़रीदा है इन्हीं का क्लिंजर, फेशियल क्लिंजर, अमीनो एसिड का फेशियल क्लिंजर, और ये है 399 रुपीज़ का, ठीक हो गया। और इसमें लिखा हुआ है कि pH बैलेंस करता है, पैराबिन फ्री है, और आपके पोर्स को अनक्लॉक करता है, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है, जुगाड़ यू नो। सो इसकी अंदर से ट्यूब कुछ इस तरह से दिखती है, एक्सपायरी डेट सब कुछ मेंशन है, पीछे किस तरह से यूज़ करना है वो सब कुछ भी इस ट्यूब पे लिखा है। अब मुझे पता नहीं है कि कहाँ से ये आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने ये ख़ुद मून शॉपिंग मॉल से ख़रीदा है। देन मैंने स्क्रब प्लस क्ले मास्क ख़रीदा, और ये है फ्रीमैन का, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, अच्छा क्लिंजिंग एप्पल साइडर विनेगर का है ये, और ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये 350 समथिंग का था, ये बड़ा रीज़नेबल इन प्राइस है। इसमें काफ़ी सारी रेंज है, मुझे यही अच्छा लगा। ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, तो इसलिए मैंने ये वाला चूज़ किया। फिर मैंने एक और टोनर जो है वो लिया है, विच इज़ कॉल्ड हर्बल केयर हॉलीवुड स्टाइल फर्मिंग टोनर। ये कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये भी 350 रुपये का मैंने लोकल मार्केट से ही लिया, मतलब शॉपिंग मॉल से। आई क्रीम्स मुझे कहीं भी नहीं मिली 500 रुपीज़ में। मैंने मून शॉपिंग मॉल से सिर्फ पूछा, मैं बाकी जगह पे कहीं पूछ लूँगी, अगर मुझे मिला तो वो भी मैं ऐड कर दूँगी। तो मैंने क्यूट प्लस से लाइटिंग डे प्रोटेक्शन डे क्रीम पिक की है, और साथ ही साथ मैंने ब्राइटनिंग नाइट रिस्टोर मतलब डे और नाइट क्रीम मैंने ली है। दोनों की प्राइस 350 रुपीज़ थी, लाइक काफ़ी रिजनेबल इन प्राइस था। तो मैंने कहा चलो भाई इसी को ट्राई कर लेते हैं। अंदर इसके आपको एक इस तरह से ब्रोशर मिलेगा, ठीक है। इसको किस तरह से यूज करना है वो बताया।
सो अंदर से पैकेजिंग कुछ इस तरह से दिखती है, ग्लास बॉटल पैकेजिंग है. तो नाइट क्रीम की पैकेजिंग भी बिल्कुल सेम वैसी होगी. मैंने सीरम्स भी बहुत ढूंढे मार्केट में, लेकिन सीरम्स भी 500 रुपीस की रेंज में नहीं है. 500 रुपीस की रेंज में लोगे तो आई डोंट नो कि वो किस तरह से होंगे, हेल्पफुल होंगे भी कि नहीं आपकी स्किन के लिए. अच्छा, तो अफोर्डेबल सीरम जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे नहीं मिला, बीच में ही बैटरी का चार्ज मुक गया था, तो मैंने दोबारा से थोड़ी सी चार्ज की है. अच्छा भाई, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक सीरम मिला है जो कि मुझे 150 रुपीज़ का मिला है, और ये है फेस फ्रेश ग्लूटाथायोन एम्प्यूल. बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, ठीक है, बट ये है 175 रुपीज़ का. मतलब 175 रुपीज़ फेस फ्रेश, आई डोंट नो कि ये है मेड इन पाकिस्तान, शाहीन कॉस्मेटिक्स LTD पाकिस्तान, ठीक है. इसको यूज़ करने का तरीका सब कुछ मेंशन इन द बैक. ये कुछ दिखता है इस तरह से. आई डोंट नो कि ये मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी या किसी और के फेस पे अप्लाई करूँगी, या इसको मैं यूज़ करूँगी या नहीं करूँगी. इट सेज कि भाई आपका कलर इस तरह का ब्राउन होगा और फिर आप इसको यूज़ करोगे तो आप इतने चिट्टे हो जाओगे, चिट्टे, और इसके लिए ये आपकी खाल को उतार देगा. आई डोंट नो कि क्यों ब्रांड्स इस तरह से शो करते हैं, लाइक इट सेज प्रोएक्टिव इंस्टेंट वाइटनिंग. लाइक अगर मतलब आपको अपने कलर से कोई इशू नहीं होना चाहिए. अब काफ़ी लड़कियाँ कहेंगे आप सफ़ेद हैं इसलिए इस तरह से बोल रही हूँ. यार अगर मैं थोड़ी सी सांवली भी होती, डस्की भी होती, तो मुझे अपने कलर से कोई इशू ना होता. जस्ट लव योर सेल्फ. और ये चीज़ें थी. एक और चीज़ मैंने अपने लिए ख़रीदी है जो कि कोलगेट वाइट चारकोल टूथपेस्ट है, चारकोल डीप क्लीन टूथपेस्ट. ये मैंने अपने दोस्तों के लिए ख़रीद लिया. सो यूज़ करूँगी मैं सारे प्रोडक्ट्स और फिर शेयर करूँगी आप लोग के साथ. और वीडियो पसंद आई तो पता है आप लोग क्या करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, एंड बाय.